नमस्कार, आप देख रहे हैं दिकंटाप और मैं हूं नेहा। बालों और जुल्फों के ऊपर तो आपने कई गाने सुने होंगे। बाल लड़के के हो या लड़कियों के, सभी के आन बान शान होते हैं। लड़कों के नुकीले बाल जिन्हें स्पाइक्ड हेयर कहा जाता है, उन्हें देखकर लड़कियां कितना मरती हैं उन पर। और लड़कियों के लंबे बालों के तो क्या कहने, लंबे बालों में उनकी खूबसूरती तो और बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है आपके इन्हीं बालों का चीन फायदा उठा रहा है, कैसे? इसके लिए आप देखिए हमारी ये कहानी। भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में बालों की तस्करी होती है। जी हाँ, हिंदू धर्म में जब कोई लड़का पैदा होता है तो उसके जन्म के पहले बार के बालों को कटवाया जाता है, जिसे आम भाषा में हम मुंडन कहते हैं। उनका मुंडन करवाया जाता है, सिर मुड़वाया जाता है, और इसी मुंडन के बालों का भारी तादाद में कारोबार होता चला आ रहा है। आज से 2 महीने पहले इन बालों को असम राइफल्स के सर्च पार्टी ने मिजोरम से म्यांमार के बॉर्डर पर पकड़ा था, लेकिन अब इस पर चर्चा तेज हो गई है। इस इलाके में वैसे तो आमतौर पर सोने और जंगली जानवरों की तस्करी की जाती है, लेकिन पहली बार बड़ी संख्या में इन बालों का बोरियों में मिलना चौंकाने वाला है, जिसमें करीब 120 बोरियां शामिल थी। हर बोरी में करीब करीब 50 किलो बाल थे। बीते 20 मार्च को एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया था कि सुरक्षा बलों ने इन बालों को ले जाते हुए एक ट्रक में पकड़ा था। ट्रक चला रहे ड्राइवर ने इस बात का दावा किया था कि ये बाल तिरुपति से लाए जा रहे थे। यही नहीं, द हिंदू ने भी इस खबर को अपने समाचार पत्र में छापा था कि ट्रकों से कई जगह से बाल लाए जाने थे, लेकिन जहां से बाल लाए गए थे वो तिरुपति तिरुमला मंदिर था। अब हम आपको बता दें, ये बाल भारत से म्यांमार के रास्ते होकर थाईलैंड ले जाया जाता, जहां इन बालों का विग बनाकर चीन को बेचा जाता और वो इसे पूरी दुनिया में भेजता। अब हमारी बातों में अगर चीन का जिक्र आ गया है तो हम आपको बालों से विग बनाकर चीन दूसरे देशों को बेचता है, उसके इस कारोबार के बारे में भी बता देते हैं। इस कारोबार से जुड़े विशेषज्ञों की माने तो विग बनाने वाले और बेचने वाले कारोबार पर 70% सिर्फ चीन का कब्जा है। भारत में कुछ मंदिरों में बाल चढ़ाए जाने की प्रथा है, इस वजह से यहाँ बाल आसानी से मिल जाते हैं। विग कारोबार के लिए कच्चा माल भारत से ही जाता है। भारत के तिरुपति मंदिर सहित दूसरे मंदिरों में भी बालों को चढ़ाया जाता है, यानी बालों का बलिदान होता है, जिससे उन्हें विग का कच्चा माल भारत में ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। भारत में सिर के बाल सबसे ज्यादा तिरुपति मंदिर में ही दान किए जाते हैं। यहाँ रोजाना औसतन 50,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनमें से कम एक तिहाई लोगों का बाल का बलिदान यहाँ होता है। अगर 2020-21 की बात करें तो तिरुमला तिरुपति मंदिर के बालों से 131 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। टीटीडी का सालाना बजट करीब 3000 करोड़ रुपए का रहता है। अब हम आपको बताते हैं, तेलुगु देशम पार्टी के एक नेता बुराड़ी सत्यमूर्ति ने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर को इस घटना की जानकारी लेनी चाहिए, इस मामले की जानकारी कर जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, टीटीडी में इतनी गोपनीयता क्यों? टीटीडी के अधिकारी कहते हैं कि लाखों श्रद्धालुओं की भावना से जुड़े इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ये शर्मनाक है। क्या अधिकारियों को उन संस्थान के बारे में पता नहीं है जिन्होंने बाल खरीदने का ठेका लिया था? क्या उन्हें नहीं पता कि ये लोग बाल खरीद कर उनका क्या करते हैं? क्या बिना पूरी जाँच पड़ताल के ही ठेका दे दिया जाता है? टीटीडी प्रशासनिक समिति को तुरंत रद्द करने से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम आपको जानकारी दे दें, इस मामले के चलते तिरुमला तिरुपति पर कई बार ऐसे इल्जाम लग चुके हैं और उन्होंने इस बार कहा है कि इससे जुड़े लोगों पर वो कार्रवाई करेगी और उनको ब्लैकलिस्ट कर देगी। तो बस ऐसी ही कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, साथ ही कमेंट कर भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप हमारे चैनल दी कंटाप को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।